अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों पर सलामती हो। आप लोगों के बर्ड्स ठीक रहें, आप लोगों के जितने जानवर हैं वो ठीक रहें। प्लानेट ऑफ एनिमल्स के ऊपर आप लोगों को वेलकम, और जो भाई नए हैं इस चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज के जो से वीडियो है ना, रिंगनेक के ऊपर है ना बर्जिस के ऊपर है वीडियो जो है। इसका जो टॉपिक है, मतलब फिलहाल मैं अपना सेटअप दिखा रहा हूँ। बर्जिस की रिकवरी मतलब काफ़ी हद तक हो चुकी है, और बर्जिस को मेरे ऊपर छत पर ले आया हूँ। यहाँ पर मैंने रखा है, वैसे मैं इधर सामने रखता हूँ जब धूप होती है सुबह के टाइम, ये मैंने रखा है। तो अंदर फिलहाल डाल के दोनों डब्बे के अंदर चले गए जो मेरे रिंगनेक है। तो मैंने कहा छोटी सी आज आपको बगैर एक टॉपिक के अलावा एक छोटी सी अपडेट शेयर कर दूँ कि बर्जिस मेरे ठीक हो गए हैं। बर्जिस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, और ठंड से बचाने के लिए वैसे अगर मैं आपको आज अपने वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये देखें, मैंने एक ठंड से बचाने के लिए शीट लगाई हुई है। अगर आपके अपने भी मतलब किसी कमरे में बाहर घर से बाहर है, मतलब घर से बाहर से मुराद के आपने अपने कमरे मतलब बाहर एक अलहदा से शेड बनाया हुआ है, छत के ऊपर है कोई कमरा उधर रखे हैं, तो आप दरवाजे के साथ अंदर ही उनकी शीट लगा लें जो नीचे तक हो, और फुल नीचे तक कवर, और दरवाजे के नीचे भी कपड़ा दे दें तो ठंड से बचते हैं। और ये मैंने बल्ब लगाया हुआ है 100 वाट का, तो जो उनसे अक्सर भाई है जो वो मिल जाते हैं इन बल्ब, दूसरे हीटिंग बल्ब भी मिल जाते हैं, तो आप हीटिंग बल्ब अगर हो सके तो वो लगाएं। ये वाला बल्ब आप रहने दें तो हीटिंग बल्ब वो ज़्यादा देर चल जाता है और ये सड़ जाते हैं जल्दी। तो अपनी मैं वैसे एक दिखाता हूँ जो मेल और फीमेल है, ये अक्सर अपना आजकल डब्बे के अंदर बैठने लग गई है। तो मतलब बैठने और मतलब मैं जब आता हूँ तो अंदर डर के चल जाती है और निकलती नहीं है। अब पता नहीं मेल है या फीमेल, इसका कंफर्म नहीं है। और ये देखें, डब्बा तैयार करने का मतलब इनका ब्रीडिंग बॉक्स होता है तैयार करने का, ये तरीका होता है। रिंग इसका ऐसे आ रहा है, लग भी मेल रहा है, और देखो मेल 2 महीने तक 1.5 महीने तक कंफर्म हो जाएगा मेल है या फीमेल है। तो नीचे शेविंग डाल लेनी है, वुड शेविंग, और मैंने इनकी भी कुछ इसी तरह तैयार की है, वुड शेविंग डाली हुई है। ये भी इंशाल्लाह जल्द ब्रीड करेंगे, इनके भी बच्चे दिखाऊँगा। ये इसका मेरा रिंगनेक का मेल है। तो फिलहाल वैसे एक छोटी सी अपडेट शेयर करनी थी, और जो उनसे अब मैं इनकी रूटीन पे भी आ गया हूँ, मतलब रूटीन इनकी डाइट रूटीन पे भी आ गया हूँ। इनकी मैं सुबह के टाइम कोली रखता हूँ, हटा लेता हूँ, मतलब कोई आधे घंटे बाद जब इनको मैं ऊपर सुबह के टाइम इनके ऊपर से चादरें वगैरह हटाता हूँ, तो इनके मैंने कोली रखी है। इसके अंदर मैं सॉफ्ट फूड मतलब फल वगैरह देता हूँ दोपहर को, और वो फिर मैं रात के टाइम जब जिस तरह भी बंद करना है तो उससे थोड़ी देर पहले मैं लगा देता हूँ कोली, घंटा आधे घंटे पहले, ताकि खाना खा लें। तो इनके साथ तो नहीं इस तरह फिलहाल कर रहा है, इनकी भी रूटीन करूँगा। अच्छा, बर्जिस को अगर हो सके तो आप अपने बर्जिस का ज़रूर करें कि इनको आप पालक के पत्ते दें, पालक के पत्ते ज़रूर दें। और ये मैंने सब्ज़ तोतों के लिए सब्ज़ मिर्चें रखी हैं ऊपर, ताकि मैं ऊपर ही रोज़ाना इन्हें, ये पूरे मैंने 20 रुपये की ली थी तो इन्हें दे दूँ रोज़ाना, जब मैं आता हूँ तो अंदर लगा देता हूँ। ये देखें, दोनों अंदर जाके बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से नज़र आए, मैं डब्बा खोलता हूँ तो ये बाहर आ जाते हैं, मेल डर के चलेगा। कोशिश करता हूँ डब्बा खोलूँ आपके सामने, तो ये डरे ना, ये ऊपर चल जाएगा मेल, बाहर निकल आता है। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।